बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ रजनी बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। फाइंड ए इनवर्स इफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है। रो में एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 -2 -1, सेकेंड रो के एलिमेंट हैं 2 3 1, थर्ड रो के एलिमेंट हैं 0 5 -2। इस को हम सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो हम लोग जानते हैं ए जो होता है वो बी का इनवर्स होता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे ए से, और दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से हम पोस्ट या प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको दे के चल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है आई इंटू ए, यानी अगर आई पहले लिया है तो अब सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे वो रो में होंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट में चूँकि हमें रो में ऑपरेशन करना होंगे तो आई में ही चेंज होगा, ए में नहीं होगा। तो ए को तो हम फिर जब चेंज नहीं होना तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे लास्ट तक, और जो बदलाव होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे आई में, यानी आई इज़ इक्वल टू ए बी इस फार्म में बदल देंगे, यानी ए हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए के साथ में जो मल्टीपल में आएगी और उसका प्रोडक्ट आई के कुल, इसको आई में कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, और फिर देखेंगे ए का इनवर्स बी हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा हमें इसे सॉल्व करने में, मतलब इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो होगा ए का इनवर्स बी आ जाएगा। तो इसमें हम ए की वैल्यू और आई की वैल्यू, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और ए के इनवर्स जो कि यहाँ पर मिलेगा बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आता है तो ए का इनवर्स बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम अगले पेज पर लिखते हैं, अगले स्टेप में लिखते हैं। ए की वैल्यू हमको दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू रख देते हैं 1 -2 -1 2 3 1 एंड 0 5 2, और राइट हैंड साइड में आई है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 है, क्योंकि उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लेंगे जिस ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो 3 ऑर्डर की है तो उसमें ऑफ डायगनल एलिमेंट 0 होंगे और लीडिंग डायगनल के एलिमेंट 1 1 होंगे। तो इसमें लीडिंग डायगनल के एलिमेंट 1 1 कर दिए, हमने बोला था कि इसमें चेंज होना नहीं है सेकंड मैट्रिक्स में, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे और सारे ऑपरेशन रो में करेंगे क्योंकि हमने आई को लिखा है पहले और ए को लिखा है बाद में। अगर आई को बाद में लिखा होता तो सारे ऑपरेशन कॉलम में होते और इसमें ही चेंज होगा, और जो ऑपरेशन इस लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा, लेकिन सारे ऑपरेशन रो में करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 पहले से हमें बदलने के लिए अपनी कोशिश नहीं करना पड़ेगी। एक स्टेप तो हो गई, सेकेंड स्टेप में ये 0 और ये 0 होना चाहिए, ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी, पहले 0 है, यानी इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, यानी R2 इस सेकेंड रो में हमें इसको 0 बनाना है, तो सेकेंड रो में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो को, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें 2 से जब इंटू होगा तभी 2 बनेगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो इस पूरे रो में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे, हालाँकि चेंज आएगा तो एरो से पहले लिखा होता है R2 में ही चेंज आएगा, R1 जो होगा वो एज इट लिखा रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से वो इस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं जो यहाँ लिखा जाएगा, इस R1 में अपना कोई भी बदलाव नहीं आएगा, R2 में ही चेंज आएगा, R3 में भी कुछ भी नहीं किया, तो इसको भी इस रो को भी वैसे लिख दीजिए एज इट लिख दिया। हाँ, तो हमने कहा था कि R2 में चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे इस ऑपरेशन के साथ, जब 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -4 और -2। अब इसमें से जब माइनस करेंगे 2 में से 2 तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर 2 से इंटू किया तो -4 हो गया, 3 में से -4 जब माइनस करेंगे तो यानी 3 में से -4 करेंगे तो ये -- प्लस हो जाएगा, और इसलिए ये वैल्यू तो 7 के इक्वल आ गई। अब 1 में से माइनस करेंगे, इसमें 2 से इंटू कर दिया यानी -2 से माइनस करना है तो 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा, 3 को यहाँ लिख दिया। जो आज ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था वही राइट में करना है, हमने R1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया था एज इट लिख दीजिए, R3 में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया एज इट लिख दीजिए, इसमें हाँ 2 से मल्टीप्लाई करा था और इस R2 में से माइनस किया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 आएगा बाकी 0, अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा
और वन और ज़ीरो एज इट रहेंगे। अब हमको यहाँ पर चाहिए होता है वन चाहिए होता है, लेकिन वन ऐसे नहीं मिलेगा, या तो हम सेवन से डिवाइड करें लेकिन अपान में सेवन आ जाएगा तो फिर हमारे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, और यहाँ ज़ीरो चाहिए होता तो या इसको भी हम या वन बनाने के फिर ज़ीरो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एक सिंपल मेथड ये है हमारे लिए, पहले इन नंबर्स को थोड़ा छोटा कर दें, उसके लिए हम इनको आपस में घटा देंगे, यानी आर टू में से माइनस कर देते हैं आर थ्री को, इससे फाइव सेवन में से फाइव माइनस होकर टू आ जाएगा, टू टाइम्स आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हमें लेफ्ट और राइट दोनों में करते जाना है। तो आर वन में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ आर टू में ही चेंज किया, तो आर वन को एज इट लिख दीजिए, वन माइनस टू माइनस वन। और आर टू में चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है कि हमने इसमें से ये माइनस किया है आर टू में से आर थ्री को, तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया ज़ीरो आ जाएगा, सेवन में से फाइव माइनस किया टू आ जाएगा, थ्री में से टू माइनस किया तो वन आ जाएगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, तो एज इट लिख दीजिए, ज़ीरो फाइव और टू लिख दिया, यानी माइनस का टू, ये माइनस का टू था, क्योंकि ये देखिए जो मैट्रिक्स ए दे रखी थी उसमें माइनस का टू था, तो ये हमारा माइनस का टू, और इस ऑपरेशन जो कि आर थ्री में कोई ऑपरेशन हुआ नहीं तो हमारा ये माइनस का टू होगा, ये माइनस का टू रहेगा। तो ये गलती पहले से जो गलती से लिखा नहीं था वो अब लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा। लेकिन जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में अभी किया है यानी ये ऑपरेशन, तो इसको राइट हैंड साइड में वही कहेंगे, आर टू में ही चेंज होगा, आर वन एज इट लिख दीजिए और आर थ्री को भी ऐसे ही लिख देना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो वन। आर टू में चेंज हुआ है कि इसमें से ये माइनस हुआ है, आर थ्री माइनस हुआ है, तो माइनस टू में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो माइनस टू रहेगा, वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे वन आ जाएगा, और इस ज़ीरो में से वन को माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमको मिल गई है, लेकिन हमें फोकस जो करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, उसके लिए जो भी हम ऑपरेशन करें वो करना चाहिए। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे छोटा बना सकते हैं, इसको ट्वाइस अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा वन आ जाएगा, और वन की हमें ज़रूरत भी है, हालांकि यहाँ ज़रूरत है, लेकिन इसको उठा के फिर वहाँ पर पहुँचा देंगे, वो इसके लिए एक ऑपरेशन और कर दिया जाएगा। तो हम जो ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं आर थ्री में कर रहे हैं, इस वाले रो में कर रहे हैं, थर्ड रो में कर रहे हैं, थर्ड रो में से टू टाइम्स अगर सेकेंड रो को माइनस कर देंगे तो ये हमारा इस एलिमेंट के साथ में टू से इंटू करके यानी फोर हो जाएगा, और फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा, बाकी चेंज होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट में सॉरी मैट्रिक्स में रखा है, फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, उसको भी ऐसे लिख दीजिए, और सेकंड रो में भी कोई बदलाव नहीं करना है, जो एरो से पहले होता है इसी में चेंज करना है, तो उसी में आप चेंज करके लिखेंगे, बाकी एज इट नोट कर लेंगे विदाउट एनी चेंज। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने टू से मल्टीप्लाई किया है तो ज़ीरो फोर वन हो गया। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे, कोई फेक नहीं पड़ेगा, इसमें टू से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो फोर हो गया, अब फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो वन आ गया, तो यही प्लानिंग थी हमारी। अब इसमें जो पहले से हम देख रहे थे ये ऑपरेशन यहाँ पर थोड़ा सा गलत होता हुआ नज़र आ रहा हमको, ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि आर टू में से आर थ्री को माइनस किया था, आर टू में से माइनस किया था, तो आर टू में ये एलिमेंट थ्री है, और इसमें से जब हम माइनस करेंगे माइनस का टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी थ्री प्लस टू यानी फाइव आ जाएगा, तो ये एलिमेंट फाइव हो गया। ये इसलिए सॉल्व सही हो रहा है कि हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था, इसलिए हमें दिखाई पड़ रहा है ये कि हमने गलत नोट किया, यहाँ पर गलत कैलकुलेशन किया, तो ये फाइव हो गया, तो ये फाइव है हमारा, याद रखिएगा। और इसमें माइनस टू, हाँ अब ऑपरेशन चूँकि आर थ्री में कर रहे हैं तो ये चेंज होगा इसी के अकॉर्डिंग, अब चूँकि इसमें टू से इंटू कर रहे हैं तो टेन हो गया, टू से आर टू में टू से इंटू करना तो टेन हो गया, और टेन को माइनस करना है माइनस टू से, माइनस टू में से माइनस के टेन को माइनस करना है, माइनस टू में से टेन को माइनस करना माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, तो माइनस का ट्वेल्व को यहाँ पर हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, करना होगा। आर वन और आर टू में कोई भी चेंज नहीं है, इनको तो ऐसे लिख दें क्योंकि ऑपरेशन सब आर थ्री में ही हो रहा है, तो इनको एज इट लिख दें, और लिखने के बाद जो है आर थ्री में चेंज इसके अकॉर्डिंग कर लें, यानी टू से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद इसमें से घटाएंगे, तो ज़ीरो में से जब माइनस होगा माइनस का फोर, तो प्लस का फोर बन जाएगा,
ज़ीरो में से जब टू माइनस होगा तो माइनस का टू हो जाएगा, क्योंकि आर टू में हमें टू से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस टू हो गया। अब वन में से माइनस करेंगे, इसमें टू से इंटू करेंगे माइनस टू हो जाएगा टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस टू यानी थ्री हो जाएगा, ये वैल्यू थ्री के इक्वल आ गई। अब चूँकि हमें वन को यहाँ पर चाहिए यानी वन उसके नीचे ज़ीरो, यहाँ वन चाहिए, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी सेकेंड रो और थर्ड रो को आपस में बदल लेते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे आर टू इंटरचेंज बाई आर थ्री, तो जो कॉलम जो ऑपरेशन लेफ्ट में करेंगे वही राइट में करना है। अगले पेज पर हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये एलिमेंट हमारे सही हैं, हम चेक कर ले रहे हैं जो हमने से पहले से सॉल्व करते हुए रखे हुए हैं। तो अब इसको हम चेंज करके लिख देंगे, जो ऑपरेशन कहा था कि R2 और R3 को चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर देख के लिख दे रहे हैं, आप पीछे से नोट करके लिख देंगे। R1 में कोई भी चेंज नहीं, जैसा था वैसे लिख दिया। अब R3 तो जो था वो R2 की जगह पर आ रहा है, तो 0 1 माइनस का 12 आ गया, जो R3 था पहले अब R2 बन गया, और जो R3 था पहले अब जो R2 पहले था वो R3 अब यहाँ पर आ जाएगा, 0 5 और ये 0 2 5। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही ऑपरेशन करेंगे, R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो शुरुआत से R1 अभी चेंज ही नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। R2 R3 को इंटरचेंज करना है, तो इसमें देख लीजिएगा कि इसमें जो R3 पहले था वो 4 माइनस 2 और माइनस 1 था, 4 माइनस 2 और सॉरी 3 था, तो ये पहुंच गया R2 में, और जो R2 था माइनस 2 1 और माइनस 1 वो R3 में पहुंचा दिए, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब हमें क्योंकि यहाँ पर 0 लाना है 1 के बाद, तो इसमें ऑपरेशन ऐसा कर लीजिए कि अगर 0 लाना चाहते हैं तो R3 में से माइनस कर लें 2 टाइम्स R2 को। अगर हमने 2 टाइम्स R2 किया तो 2 से इंटू करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो बाकी जो होंगे R1 R2 अनचेंज रहेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख दें, और ज़रूरी नहीं जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वही ऑपरेशन हमेशा किसी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए हों, आप ऑपरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कि इसमें 0 यहाँ पर 0 बना सॉरी ऊपर 0 बनाने का, तो ये कर सकते हैं अभी भी, तो कोई पहले से 0 बना सकता है, हम अब इसको इस वाले 0 को पहले बना रहे हैं, उसको 0 को बाद में बना रहे हैं, या कोई डायरेक्ट भी दोनों ऑपरेशन में ही कर सकता है। यहाँ पर तो तीन नहीं कर सकते, तीन ऑर्डर का 2 ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रोसीजर अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा A का इनवर्स वो यूनिक होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, अगर इनवर्स पॉसिबल है तो इसलिए आंसर मैच करना चाहिए, यानी किसी भी रास्ते पे जाएं सेम आंसर आना चाहिए। तो हम जो ऑपरेशन करने को बोल रहे थे वो अब कर देते हैं। R3 भी चेंज करना है तो R1 को और R2 को हमने एज इट नोट कर दिया, कोई विदाउट एनी चेंज। अब हमें क्या करना था कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना था, तो 0 में 2 से इंटू करेंगे माइनस करेंगे कोई फेंक नहीं पड़ेगा, इसमें 2 से इंटू करेंगे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो हो गई वो 0 के बराबर आ गई। अब 2 से इसमें इंटू करेंगे 24 हो गया माइनस का, लेकिन हम 5 में से जब माइनस करेंगे माइनस का 24 तो माइनस माइनस ये हो गया, प्लस का 24 हो गया यानी 29 हो गया, ये वैल्यू जो होगी वो 29 हो गई। तो इसको हम यही ऑपरेशन हमें अब राइट हैंड साइड में करना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को इसमें विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई भी बदलाव हमने नहीं किया है। अब इस वाले रो में बदलाव है, चेंज है कि इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस 2 में से जब माइनस 8 होगा मतलब 8 को हमें माइनस करना होगा तो माइनस का 10 बनेंगे। ऐसे ही इसमें 4 हो गया माइनस का, 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और ये 5 बन जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 1 में से माइनस करना होगा, इसमें 2 से इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, तो माइनस 7 को यहाँ पर लिख दिया। अब हमें को जो है यहाँ पर भी 0 चाहिए होता 1, उसके नीचे 0 उसके ऊपर भी 0 होना चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज होगा पहली बार ऑपरेशन R1 में चेंज कर लें, R1 में चेंज हो रहा है पहली या कभी हो इससे मतलब नहीं है, 2 टाइम्स यहाँ पर R2 यानी R2 में 2 से इंटू करके वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 है इस वजह से। तो 1 और ये वैल्यू पहले तो जो चेंज नहीं हुआ उसको लिख दे रहे हैं, यानी R2 को लिख दे रहे हैं एज इट विदाउट एनी चेंज, और R3 को भी लिख दे रहे हैं, जिसमें चेंज हुआ उसको हम बाद में नोट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में।
तो इसमें हमने कहा कि टू से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर ऐड करना है, तो ज़ीरो को ऐड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ टू से इनटू करेंगे टू बन जाएगा और माइनस टू और टू जुड़ के ज़ीरो हो जाएंगे, इसमें टू से इनटू करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा और माइनस वन में जब इसको ऐड करेंगे माइनस 24 को तो ये भी जो है माइनस 24 और माइनस वन मिलकर माइनस 25 बन जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 25 आ जाएगा। यही ऑपरेशन अब राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ेगा, ये रफ का काम है। तो R2 को ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा है 4 माइनस 2 और 3, और R3 को भी ऐसे लिख दीजिए माइनस 10 5 और माइनस का 7। अब R1 को चेंज करना है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, यानी हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर जाके ऐड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 1 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 0 में अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 0 में ऐड करेंगे तो 6 हो गया। ये अब हमें 1 आ गया, इसके नीचे 0, यहाँ 1 आ गया उसके ऊपर और नीचे 0 बना लिए। अब यहाँ पर हम 1 बनाना चाहेंगे, अगर यहाँ पर 1 आ जाए तो 1 बनाने के लिए हमें करना होगा थर्ड वाले रो में यानी R3 में 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये काम दोनों में किया जाता है, लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो R1 चूँकि R3 में ही चेंज आएगा तो R1 और R2 को तो दोनों साइड में ऐसे ही नोट कर देंगे, कोई भी चेंज नहीं, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें 29 से जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई ज़्यादा नहीं, 1 आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बढ़ाने वाली चीज़ अब हमारे पास आ गई है, तो यहाँ के कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगले स्टेप में अपान वाले जो होंगे यानी फ्रैक्शनल वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत करना होती है। माइनस 7 अपान 29, और ये अब ज़्यादा नहीं रह गया क्योंकि 2 ज़ीरो बस बनाना रह गया, 1 बना लिया उसके ऊपर 2 ज़ीरो बनाना है, लेकिन नंबर बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें इसको इसके कुल बनाने के लिए 25 से इंटू करना पड़ेगा R3 में, और इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तब 0 आएगा। तो ये दो ऑपरेशन एक साथ हम कर ले रहे हैं, यानी R1 में ऑपरेशन कर ले रहे हैं, तो R1 में क्योंकि वो माइनस के हैं तो इसमें प्लस के 25 से प्लस कर लें 25 टाइम्स R3। इसी तरीके से R2 में भी ऑपरेशन कर लें ताकि दोनों 0 एक साथ मिल जाएँ, आइडेंटिटी ये बन जाए मैट्रिक्स और हमारा कैलकुलेशन जो है जल्दी से हो जाए। प्लस 12i R3 में 12 से इंटू करके इसमें ऐड कर देंगे, और ये ऑपरेशन हमें लेफ्ट और राइट दोनों में करना है। इससे करने से ये दो तो 0 बन जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड कम्प्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम चाह रहे थे वो बन गया। राइट हैंड साइड में ही लास्ट कैलकुलेशन, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन हमारे पास बचेगा, लेफ्ट इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन गया, और ये हम चाहते थे इसके बाद जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा वो हमारा जो होगा वो ए का इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ए है तो इधर आई है, तो ए इंटू वी अगर आई होता है तो ए का इनवर्स ये होता है। तो अब इसका कैलकुलेशन में देखिए R3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो R3 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे 10/29 और माइनस का 10/29 और 5/29 और माइनस का 7/29, जो चेंज होगा वो R1 और R2 में होगा। तो हम R1 में पहले लिख लेते हैं, R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे देख लीजिए, इसमें 25 से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो इस स्टेप को हम लिख दे रहे हैं 9, थोड़ा डिटेल में लिख दे रहे हैं, हालांकि रफ़ पे सॉल्व करके फिर भी आप यहाँ पर डायरेक्ट लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रफ़ का काम भी यहीं पे कर ले रहे हैं, जो आप भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से माइनस होगा चूँकि हमें प्लस करना था सॉरी, तो लेकिन चूँकि इसका साइन माइनस का है तो वो प्लस भी माइनस बदल जाएगा, और हमने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करने पर 250 हो जाएगा अपान में 29। और R2 में यहाँ पर भी देखिए माइनस फोर ऐसे लिख दीजिए, और माइनस फोर में से प्लस करना है, ये इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा अपान में 29 ऐसे लिख दीजिए। ऐसे ही 6 में भी प्लस करना है, लेकिन वो अलग बात है कि इसमें ये माइनस का 7 है तो वो वहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और जब इसमें 25 से मल्टीप्लाई करके उसमें लिख रहे हैं तो इसके साथ में जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175 अपान में 29 है।
अब सेकंड रो में ऑपरेशन ये करना है कि इसमें 12 से यानी R3 में 12 से मल्टीप्लाई करके यानी न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो इसको भी हम डिटेल में लिखेंगे। यानी 4 में से माइनस कराना है, 12 से इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा अपान में 29। यानी 4 में करना तो प्लस है लेकिन उसका चूँकि ऑलरेडी साइन माइनस का है तो माइनस का 120 अपान 29 आ जाएगा। इसको थोड़ा हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा गलती रहेगी क्योंकि हमने बोला था कि ये इसको हमने माइनस में ही लिखा रहने दिया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई इसमें 25 से करेंगे तो माइनस का 175 होगा जो इसमें ऐड करना था, तो हमने माइनस सही तो ऐड कर दिया। इसके साइन को हमने चेंज जैसे कि इसमें किया था उसमें नहीं किया और ऐसे इसमें भी किया है अभी इस बारे में, हालांकि प्लस कर रहे हैं। ये R3 को हम R2 में माइनस साइन इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इनके साइन माइनस है, तो इस माइनस को चाहे यहाँ लगा के भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अगली स्टेप में टर्म में जा रहे हैं, माइनस टू में से क्या करना है, माइनस टू में भी प्लस करना है। किसको प्लस करना है, इसमें से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 29, तो 60 अपॉन 29। अब एक स्टेप ये वाला टर्म और बचा हुआ है, इसको लिख दें तो पहले से मौजूद है 3, वो तो लिखना है, उसमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा, और इसका चूँकि वैल्यू माइनस के तो माइनस 84 अपान में 29। अब हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये अपान में 29 है, इनको हम बाहर ले लें, कॉमन ले लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरी मैट्रिक्स से ये बाहर हो जाएगा। अगर एक बार हम 1 अपॉन 29 बाहर लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन जब लिया तो इसमें तो है 29 थी तो बाहर हो जाएगी, इसमें नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 का माइनस 250 करना होगा। इसी तरीके से माइनस 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29 को, प्लस का 125 यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही 29 को यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ था नहीं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 का, और ये अब प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा 175। अब इसी तरीके से इसमें भी 4 इंटू 29 हो जाएगा माइनस 120, माइनस 2 इंटू 29 प्लस का 60। ये कैलकुलेशन आप रफ पे भी डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं, और यहाँ फिर में भी कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं बल्कि अच्छी सी बात है, और ये वाले जो प्लस साइन है इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। और बाकी R3 में तो कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन हमने अपान में से जो 29 बाहर ले लिया तो ऊपर न्यूमरेटर ही बचेगा, माइनस 10 और 5 और माइनस का 7। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हम फिर कह सकते हैं इस वैल्यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और शॉर्ट में से I3 या सिर्फ I से भी डिनोट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 29, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 29 का 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 261 करेंगे आ जाएगा, और 250 को माइनस करना है। ऐसे इन दोनों को इंटू करेंगे, माइनस 116 हो जाएगा, प्लस 125। और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 6 का 29 के साथ में तो ये वैल्यू हो जाएगी 174, और माइनस का 175 पहले से मौजूद है। ए यहाँ मैट्रिक्स इनटू है, फर्स्ट रो ने कंप्लीट किया, सेकंड रो में भी ये वैल्यू सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगा, और ये 116 हो जाएगा और माइनस 120। इनमें इसका आधा कर दीजिए कि 4 से इंटू हो रहा था, इसमें 2 से इंटू हो रहा है, तो इसका आधा करके लिख दीजिए जो कि माइनस का 58 हो जाएगा और प्लस का 60 है। ये इसमें 3 से इंटू करना है, करके लिख लीजिए 87 माइनस का 84। और इसमें जैसा है हमारा थर्ड रो, इसमें तो कोई भी चेंज करना नहीं है, जैसा है वैसे लिखा रहने दीजिए। माइनस कर दीजिए इसको तो 1 अपॉन 29, और यहाँ पर ये माइनस करने पर जो वैल्यू बचे ही है वो क्लियरली 11 है यहाँ पर, और इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू 9 बच रही है, इसमें से ये माइनस कर दिया। और ये जो कि बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है और एक का डिफरेंस है, तो माइनस एक का एक बड़ा नंबर है, बड़े में से छोटा घटा बड़ा वाला माइनस है, और इनका डिफरेंस भी 4 आएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का साइन आएगा, इसमें बड़ी क्वांटिटी प्लस की 2 डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो है वो 3 का है और बड़ी क्वांटिटी प्लस की है तो प्लस का आ जाएगा। और ये वैल्यू थर्ड लास्ट वाला रो थर्ड रो एज इट लिख दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं हम कि ये इस फार्म में आ गया, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए के फार्म में, और इस फार्म में जब होता है तो ए का इनवर्स बी होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए का इनवर्स ये होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 29, और ये वैल्यू हो गई 11 9 माइनस 1 एंड माइनस 4 2 3 एंड माइनस 10 5 और माइनस 7। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।